तो गाइस ये हमारी चटनी तैयार हो गई यहाँ पे। Hey guys, what's up? Welcome to new blog. This has been a moment you watching Mountain Explorer HP जो भी है, प्लान बनाना जो कुछ भी है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बनाएंगे मुरब्बा। मुरब्बा क्या होता है, कैसे बनता है और आप घर पे इसको कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ पेड़ लाए हैं, सेब के पेड़ हैं, इनको लगाएंगे पहले बगीचे में। और यहाँ पे गेंजी भी आ गया, क्या बोल रहा है? बोला चाचा बनाओ, खट्टा बोला मैंने बनाना ब्लॉग में, बोला मैंने गाइज मैंने बोला ना खट्टा बनाना, तो मैंने इसको फोन करके बुलाया, मैं आओ खट्टा खाने, अभी नाराज हो गया खट्टा नहीं बन रहा। यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए बुलाया इसको, और अक्षय भंडार जी लगाओ इसको खड्डे खोदने के लिए। हम आपको बताएंगे आज की सेब के पेड़ किस तरह लगाए जाते हैं। ये नर्सरी से पेड़ लाया है इसने 8-10, और इनको यहाँ बगीचे में लगाएंगे। यहाँ देखो ये छोटा सा बगीचा, बगीचा तो है नहीं लेकिन है तो ये, मतलब कि यहाँ पे बेस्टेज माल जाता है। कहाँ लगा रहे हैं इनको हैं? ये देखो यहाँ पे जगह बना रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे ये पेड़। और इस तरफ को देखो ये साग लगा हुआ है, साग, और यहाँ पे साग फिर से ऊपर गेहूँ लगाया हुआ है खेत में, लेकिन बारिश नहीं हो रही है उस कारण सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जगह बना रहे हैं पेड़ लगाने के लिए अक्षय भंडारी। तो ये तैयार हो गए यहाँ पे सिस्टम, ये देखो अक्षय भंडारी काम करते हुए। यहाँ पे लगाएंगे सेब के पेड़ इसमें अंदर, देखो इस तरह से फेंक रहे हैं पेड़ को, और फिर पेड़ को इसके अंदर लगाएंगे। ये जो नालियाँ बनाई यहाँ पे इसके अंदर लगाएंगे। कैंची जी है, कैंची मैंने जेब में डाली है, लो कैंची भाई, कैंची से कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये सेब के पेड़ तैयार किए जा रहे हैं अक्षय भंडारी द्वारा, अक्षय नर्सरी। अभी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, एक छोटे से यहाँ से प्लेटफॉर्म से, और धीरे धीरे बहुत आगे जाएंगे। अगर चाहिए हो, अभी तैयार की जा रही है, अभी प्लांटेशन देखेंगे अगले साल तक, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम फिर यही काम करेंगे। देखो इस तरह से तैयार किए गए ये पेड़ जो है छोटे छोटे काट के, और इस तरह से अक्षय भंडारी जी इनको स्टैंड कर रहे हैं और मिट्टी डाल रहे हैं। थोड़े थोड़े स्पेस पे लगाए जाते हैं ये, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सा स्पेस होना चाहिए बीच में, इतने स्पेस पे लगाए जाते हैं ये सारे पेड़। गाइस फाइनली नर्सरी लग चुकी है, और नर्सरी लगने के बाद हम इसमें पानी दे रहे हैं अभी। तरह जैसे देख सकते हैं पानी की पाइप लगाई है, और पूरा फुल करेंगे इसको, ताकि जो ये नई जगह प्लांटेशन हुई है तो पानी बहुत ज़रूरी है। पानी इसको मिलेगा तो प्रॉपर ये नीचे जड़ में जो है ना, इसकी जो जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और पेड़ जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। अरे खट्टा बनाने, मुरब्बा बनाने, मुरब्बा तैयार करने कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये खट्टे का पेड़ है, यहाँ से खट्टे निकालेंगे हम, ये खट्टे निकाल दिए हमने, खट्टे बनाएंगे अब। ये लाया पालक, पालक थोड़ा सा उठाएंगे यहाँ से, साग व पालक मिक्स है ये, तो ये डालेंगे हम मिक्सी के जार में। खट्टे का मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं अभी, लेकिन चाय तैयार थी तो पहले सोचा चाय पीते हैं, और अचार है, लिंगड़ का अचार है, और चपाती है, खा लेते पहले और उसके बाद कारोबार शुरू करते हैं। दीपू बीन हरा धनिया, और इसको बोला धनिया लाने के लिए, इतना सा धनिया ले आया, लेकिन चलो कुछ नहीं है, खुशबू के लिए ठीक है। हाँ बीन है लेकिन थोड़ा कम लाता है इसको ये बहुत कम होगी, कम हो गई है यार, ऐसा थोड़ी होता है, इतनी सी लाई इसने। चलो कुछ नहीं, क्या हो रहा है ज्यादा लाई तो ज्यादा, मेरा ये टोंट मार रहा हूँ तेरे को, ज्यादा चलो डालते इसमें मटेरियल। अभी इसमें पालक और साग और धनिया डाला है, एक चम्मच डालेंगे, ये नमक डालेंगे इसमें, और ये लाल मिर्च, ये मिर्च का पाउडर बनाया होता है लोकल हमने, देसी मिर्च। ये मिर्च कैसी तेज है ना वे, और ये विनय वर्मा, इसको हम अपनी लोकल भाषा में गमरू बोलते हैं, ये गमरू है, गमरू गमरू बोलते हैं, और कई जगह भी इसको खट्टा बोलते हैं, और बाकी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं गमरू। कैसे बनाते हैं देखिए, स्टाइल देखिए इसका, जरा काटने का स्टाइल तो देखिए आप जरा। ये चटनी तैयार होगी हमारी, ज्यादा पतली कर दी आपने भाई जी, दिखाओ वाला, पतली होगी ज्यादा है कि ठीक है? अरे पतली होगी ठीक आ रहे, पतली होगी ज्यादा थोड़ी है, और ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। Yeah, bro. Boom, Shankar Mahadev. ये देखो ये खट्टा, इसको हम काटेंगे अब, छोटे छोटे पीस करेंगे इसके, बहुत टाइम लगा रहा छोड़ू तू, टाइम तो लगता है भाई अच्छी चीज बनने में, जल्दी कर इसको, ऐसे ऐसे काटेंगे इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। तो गाइस ये हमारी चटनी तैयार हो गई यहाँ पे, ज्यादा पतली हो गई, मतलब इतनी ही काफी है, तो ये हमने डाल दिया। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे,
डाल दी, खाली कर दिया इसने। तो इसने पूरी पूरी चटनी डाल दी इसमें कि बोला ग्रेवी में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं बोला चल ठीक है, ग्रेवी में ठीक है। अब इसमें शुगर ऐड अप करेंगे और बाकी चीनी और मिर्च और नमक का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कैसा बना। ये चीनी आ गई, चीनी डालेंगे अब इसमें। बस स्वादानुसार चीनी डालें, एक्स्ट्रा चीनी नहीं डालनी इसमें ताकि मीठा नहीं होना चाहिए। मिर्च इसमें ज्यादा डालनी चाहिए, क्यों मेरा? इसमें ज्यादा डालनी चाहिए ताकि चटपटा हो जाए, ताकि शीशी हो, क्यों है ना? क्योंकि बहुत स्पाइसी होगा ना, तो आपको खाने में आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। 10-20 रुपए का खट्टा मिलता है मार्केट में, सब्जी की दुकान कहीं मिल जाता है इसीलिए। बाकी तो आपको पता ही होगा किस तरह बनाते हैं जिसका खुद है। तो गाइस ये देखो, इसने इतनी सारी मिर्च डाल दी इसमें, इतनी मिर्च डालेंगे ना पटाखा हो जाएगा। ये देखो, चल कर मिक्स कर इसको। ओए मिक्स कर, बहुत ज्यादा मिर्च हो गई है, पाउडर डाला इसने, एक्स्ट्रा ही डाल दिया। अब पता नहीं पटाखे होने वाले हैं थोड़ी देर में, ऐसा लगता है। फाइनली हमारा खट्टा बन गया और बहुत ही लजीज है, एकदम टेस्टी। इस तरह से बनता है। तो खाने वाले मैं हूँ और लवीश है, अक्षय है और इस साइड में गांधी है। हेलो करो। हेलो एवरीवन। तो ठीक है, ऐसे डालेंगे अब सबको कॉली में। वाह यार मजा आ जाएगा अब तो खाने का। अब थोड़ी थोड़ी तरी देंगे इनको यार। वो आ रहा है सनी लोड़ी चीज़ पान आया है, तंशुक कारा खाए क्या है बात की। मैंने थोड़ा जी पान, ये सारे ऐसे है ना आपसी, इनको सबको डाल दिया मैंने बहुत ज्यादा। वार आप प्रातल एक्सटेंड ले, ये पीस ले, चल ठीक है तू खाई दे। नहीं चल तू खा, नहीं मैंने कम खाना, नहीं मैंने खाना कम, नहीं मैंने खाना कम प्लीज आ रहा है मेरा है। तो गाइस ये है मेरा, देखो सबसे कम मेरे को है ये। देखो इसको भरी कॉली दी मैंने, भरी कॉली है और इसकी भी भरी कॉली है, उसकी तो एक्स्ट्रा भरी है। ये ऐसे फेंक रहा है क्या है? खट्टा वाला क्या है? खट्टा खट्टा ही होगा तो मीठा थोड़ी होगा ये। वाह स्वाद आ गया गाइस, खा लेते हैं अब, एंजॉय कर लेते हैं। तो वो बिरयानी खाए थे क्या? अब ठीक हो गया, पानी पी लिया मैंने। क्या अब नहीं होगी भाई? अब हो गया ठीक, अब ठीक आ रहा हूँ, अब नहीं होगी। गाइस खट्टा खा के ना बुरा हाल हो गया है, मतलब मिर्च लगी मुंह में बहुत ज़्यादा। लेकिन गैंसी ने पानी पूनी भी पी लिया, इसको हिचकी आ रही थी। तो पानी अगर पियोगे आप खट्टे के बाद में तो आप बीमार हो जाओगे। अगर आपको कोल्ड वगैरह है, आप खट्टा खाते तो आपको कोल्ड ठीक हो सकता है, यानी कि कोल्ड को होल्ड करता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही खट्टे को जुकाम काटता है, जुकाम को खट्टा काटता है, जो भी है समझ गए ना। बस यही है, पानी कंटिन्यू चला हुआ, सबको पानी पड़ गया बराबर। और गेंजी आ गया और मौसम कुछ इस तरह से, सूरज जो है डूबने की कगार पे है, पूरा डूब चुका है और लेट हो गए थे हम काफ़ी ज़्यादा टकाने की कगार पे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर। मुझे जुकाम हो गया है।